हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। उज्जैन की पवित्र पुण्य भूमि पर इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए सभी चरण वंद्य संतगण, सन्मान्य साधु संन्यासीगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बहन अनसुईया उइके जी, झारखंड के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, भगवान महाकाल के सभी कृपा पात्र श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मा महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूपों का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं, अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों,
महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र सात पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है, कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, अष्ट मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु क्या कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है।
और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है, सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार चार धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अति भव्य महाकाल लोग भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज जब हम उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है।